सड़क पर उतरे पुलिस कप्तान, देखी सुरक्षा व्यवस्था, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। सबको मालूम जैसे अभी आचार संहिता प्रभावशील है, साथ ही साथ होली का त्यौहार भी, आज होली का दहन है, कल होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा, साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, तो इसको देखते हुए पूरे शहर में और पूरे ज़िले में पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। कई जगह फिक्स पॉइंट भी लगाए हैं और कई जगह चेकिंग भी लगाए हैं कि किसी प्रकार से कोई एंटी सोशल असामाजिक तौर से किसी प्रकार से कुछ गलत कार्य ना कर पाए, और सभी पे नज़र इस तरह से रखी जा रही है। सभी नागरिकों से अपील है कि शांतिपूर्वक अपने अपने त्यौहार मनाएं और जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। सभी को होली और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आज पूरे देश में होली का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। होलिका दहन के साथ ही बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न में भंग न हो इसके लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। शहर के 2 दर्जन स्थानों पर पुलिस तैनात है, जो शहर में घट रही हर घटना पर नजर बनाए हुए है। होलिका दहन के बाद रंगोत्सव के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग शांति से जश्न मनाएं, इसके लिए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह अपने दल बल एडिशनल SP अनिल सोनकर, DSP हिमानी पाठक, CSP नवीन तिवारी सहित थाना प्रभारियों के साथ शहर का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि शांति के साथ त्यौहार मनाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, अन्यथा ड्रिंक एंड ड्राइविंग के मामले में हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। सर, होली का त्यौहार है तो किस तरह की चाप चौंध व्यवस्था बनाई गई है? सबको मालूम जैसे अभी आचार संहिता प्रभावशील है, साथ ही साथ होली का त्यौहार भी, आज होली का दहन है, कल होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा, साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, तो इसको देखते हुए पूरे शहर में और पूरे ज़िले में पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। कई जगह फिक्स पॉइंट भी लगाए हैं और कई जगह चेकिंग भी लगाए हैं कि किसी प्रकार से कोई एंटी सोशल असामाजिक तौर से किसी प्रकार से कुछ गलत कार्य ना कर पाए, और सभी पे नज़र इस तरह से रखी जा रही है। सभी नागरिकों से अपील है कि शांतिपूर्वक अपने अपने त्यौहार मनाएँ और जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। सभी को होली और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाड़ी चलाते हैं उनके लिए क्या सर्विस? शराब पी के गाड़ी चलाने वालों पे लगातार चेकिंग की जा रही, और अगर शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं गाड़ी चलाते हुए तो उनके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस होगा, जिसमें उनकी गाड़ी जब्त होगी और फिर वो न्यायालय से भारी जुर्माने की बात छूटेगी। तो इस तरह के जुर्माने से बचने के लिए सेफ्टी पूर्वक अपनी गाड़ियों को चलाएँ। शहर में सबसे मार्क भी निकाला गया है? बिल्कुल, छोटे छोटे पोर्शंस में अलग अलग एरिया में फ्लैग मार्च निकाले गया है, जनता को संदेश देने के लिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है, लगातार मुस्तैद है, और असामाजिक तत्वों को भी संदेश दिया गया है कि किसी प्रकार से भी कुछ गलत काम करें तत्काल हमारी नज़र में आएंगे और आपके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जिले यहाँ पे 15 फिक्स पॉइंट्स बने हैं, इसके साथ साथ करीब 20 से अधिक पेट्रोलिंग मोबाइल शहर में चल रही हैं, और इसके अलावा देहात में भी हर थाने में कम से कम एक एक्स्ट्रा मोबाइल चल रहा है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।